पर्क्स जो है वो अभी आपको शायद लगता होगा कि यार कितनी अच्छे अच्छे पर्क्स मिलते हैं रेलवे में, बट जब आप मेरी तरफ मेरी जगह बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इतना तो हम डिजर्व करते हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो दो मैं नागपुर में हूँ, छोटे डिवीजन में हूँ, बट अगर आप मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो छोटे छोटे सब डिविजन्स में पोस्टेड हैं, वहां पे बंगलो इट्स लाइक 112 10 एकर्स, 150 एकर्स के बंगलो होते हैं। मतलब अंग्रेजों के जमाने में तो बड़े बड़े बंगलोज, वहां पे आपको गार्डन मेंटेन करने के लिए गार्डनर रखना ही पड़ेगा वहां पे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक जो अच्छी बात यह है कि आप आपको ट्रॉली के लिए आपकी खुद की ट्रॉली होती है जिससे आप इंस्पेक्शंस वगैरह पे निकलते हो, उसके लिए आपको 4 ट्रॉली मैन मिलते हैं जो डेली आपको सुबह रिपोर्ट करते हैं और आपको उनको वर्क असाइन करना होता है। अब वो वर्क वेरिड नेचर के हो, तो अगर आपके उस दिन ट्रॉली इंस्पेक्शन है तो आप ट्रॉली के लिए उनको बोलते हो, अदरवाइज कोई दूसरा काम जो जैसे कि कोई लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना है या फिर कहीं से कोई रिपोर्ट लानी है, इस तरीके के जो काम होते हैं वो। दूसरी बात, आप डेली अपने पीडब्ल्यू जो सीनियर सेक्शनल इंजीनियर्स होते हैं इनसे डेली की रिपोर्टिंग लेते हैं, इनसे डेली की प्लानिंग पूछते हैं, और इनके ये लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप वेट करते हैं। और इसके अलावा आप बीच बीच में गैंग का इंस्पेक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है लोगों में बिकॉज यू आर इन अ वेरी हाई पोजिशन ऑफ हायरार्की, तो हर कोई आपके नीचे 550 लोग दे विल थिंक यू एज अ माई बाप। आई एम यूजिंग दैट टर्म बट एक्चुअल वैसा फील आता है। और जब आप ट्रॉली वगैरह में निकलते हैं तो वो अपने आप में एक अपना एक्सपीरियंस होता है और बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। तो कई बार थोड़ा वर्कलोड जब ज्यादा आता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, बट देन अगेन जब आप काम समय पे करते हो और व्हेन यू सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवेज, जब आप कोई मीनिंगफुल काम करते हो तो वो अपने आप में इंटरनल सेटिस्फाइंग लगता है, चाहे उसमें आपके कितने भी एफर्ट हैं। बहुत सही। मतलब आपकी आपसे बात करके ना ऐसा लग रहा है ना कि ये जो इतना सारा पावर आपके पास है उसके साथ कितनी सारी जिम्मेदारियां भी हैं। वही बात है, मतलब बिल्कुल आपको है ना, बिल्कुल हाँ, वही वो जो पर्क मिल रहा है वो आपकी जिम्मेदारियों को थोड़ा आसान करने के लिए दिया जा रहा है ना, पर उसके साथ हाँ है कितना सारा वर्कलोड आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ रहा है सर, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या है ना कि बाहर बाहर का दिखता है कि घर मिलेगा, फोन मिलेगा या गाड़ी मिलेगी, ये सब है, पर वो सारी चीजें बस इसलिए है कि आप छोटी जब मोटी आप चीजों को। मैं वही हाँ कहूंगा कि इस जी स्टेज में जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो जरूरी है मेरे लिए, बिकॉज अगर आपके पास गाड़ी ना हो तो आप हर 15 विद इन शॉर्ट नोटिस आपको 10 मिनट में कहीं पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे। तो वो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वाइटल फॉर योर जॉब। तो ऐसा नहीं है कि वो पर्क्स हैं, दैट इज समथिंग जो आपकी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मिल रही है, एंड यू कांट मिसयूज इट। ऑब्वियसली आजकल के जमाने में वो पहले जैसा जमाना नहीं ले रहे गया कि यू कैन मिसयूज योर फैसिलिटीज एंड ऑल। अब चीजें काफी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, गवर्नमेंट अब एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह चल रही है, एवरी पेनी इज टू बी अकाउंटेड फॉर। तो बिल्कुल यू कांट से कि वो पहले वाला जो सिस्टम था उसमें आप रह सकते हैं। तो ये सब चीजें अभी कुछ कुछ चेंज दिखते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में भी। ये अब आ भी रहा, और मुझे ऐसा लगता है ना सर कि हमारा जो जनरेशन है ना वो इस चीज को ना समझ भी रहा है, वो एकदम ऐसे लायबिलिटी नहीं ले हाँ ली है कि नहीं यार हम करेंगे ही करके, बस वो जिम्मेदारी की तरह के नहीं यार हम लोगों को अच्छा करना है, हम लोग करेंगे तभी तो आगे अच्छा होगा। हाँ बहुत सही सर। ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आ रही है लोगों में, मैं हर तरीके के जॉब में देखता हूँ वो एक समझदारी आ रही है लोगों में। बहुत सही है सर। सर और मैं आपके बारे में अगर जानना चाहूँ तो आप मेरे को बता सकते हैं कि कोल इंडिया में किस टाइप की लाइफ रहती है, आपका उस समय किस तरीके से सिलेक्शन हुआ था और इंटरव्यू कैसा रहा था उस समय पर, और फिर जॉब आप वहां पर क्या क्या देखा करते थे, और कोल इंडिया में बेसिकली लाइफ है कैसी, इसके बारे में बताइए। अच्छा, कोल इंडिया में मेरा सिलेक्शन पहले तो कैंपस सिलेक्शन हुआ था, कैंपस से हुआ था। इंटरव्यूज में बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे आरसीसी स्टील डिजाइन से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह से, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। उस टाइम तो मेरी बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, स्टिल आई वॉज एबल टू मैनेज, और बिकॉज आई वॉज मेरी कॉलेज में स्टैंडिंग भी अच्छी थी, टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट था, तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि उसी वजह से उसमें सिलेक्शन हुआ।
और जब जॉब मैंने वहां ज्वाइन की तो एक तो जो मुझे वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता था कि द प्लेस वाज वेरी रिमोट। जॉब प्रोफाइल वहां पे मेरी जो जॉब प्रोफाइल थी मैं वहां पे 2 साल रहा। 1 साल तो टेंडर मैनेजमेंट वाली जॉब प्रोफाइल थी मेरी। टेंडर अपलोड करना, टेंडर ओपन करना और टेंडर कमिटी फाइनलाइज करना, इस तरह के जॉब्स। और उसके बाद फिर 1 साल के बाद मुझे फील्ड जॉब वहां पे मिली। वहां पे CSR वर्क्स बहुत हुआ करते थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो मेरा बेसिकली वही काम था, रोड बनाना, ओवरहेड टैंक बनाना, इस तरीके की चीजें। तो वहां पे बहुत डाइवर्सिटी नहीं थी। और दूसरी बात, सिविल इंजीनियर्स के लिए कोल इंडिया उतनी ज्यादा अच्छी कंपनी इसलिए नहीं लग रही थी मुझे, बिकॉज वहां पे ग्रोथ उतनी नहीं थी सिविल इंजीनियर्स की। सिविल इंजीनियर वॉज ए सिस्टर डिपार्टमेंट इन कोल इंडिया लिमिटेड, और इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि यहाँ से कुछ बेटर ट्राई किया जाए। अच्छा सर, तो जैसे कोई यहाँ पर गेट एग्जामिनेशन देके अगर जाता है कोल इंडिया में, या फिर वो कोल इंडिया का पेपर देके जाता है जो अभी हाल फिलहाल में हुआ करता था, वो लोग भी सेम प्रोफाइल्स ही संभालते हैं कि उनका कुछ डिफरेंट रहता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली पोस्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में आपकी होती है। इसमें आपकी 15 डेज की शुरुआत की ट्रेनिंग होती है रांची में, और उसके बाद आपको फील्ड पोस्टिंग्स मिल जाती हैं। फील्ड पोस्टिंग में 2 बार और 15 15 डेज की ट्रेनिंग होती है, और 1 साल तक आप मैनेजमेंट ट्रेनी रहते हो। उसके बाद एक प्रोबेशन क्लोजर एग्जाम होता है, वो दे के आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। सेम प्रोफाइल है, कोई डिफरेंस नहीं। सेम वही सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इससे एक एस्पिरेंट्स को बिल्कुल आइडिया भी लग जाएगा ना कि वो अगर होल इंडिया की भी कोई एग्जाम आए और वो सोच रहे हैं तो उनके पास हाँ है। पर बिल्कुल, इट इज नो एटलीस्ट डाउट। देखिए वहां पे एक फायदा, पर्क्स था वहां पे। फायदा ये है, वहां पे सैलरी आपकी बहुत ज्यादा है। अभी जो मेरी सैलरी है और कोल इंडिया में अभी के हिसाब से तो बराबर है, बिकॉज अभी 7th पे कमीशन लग गया। जब मैं वहां पे था तो 7th पे कमीशन नहीं लगा था, बट अभी जो 7th पे कमीशन लगने के बाद से वहां पे 2 गुना सैलरी हो गई है। जो अभी मेरी फिलहाल सैलरी है, जो मेरे फ्रेंड्स अभी भी वहां काम कर रहे हैं उनकी मेरे से डबल सैलरी है। तो वहां पे क्या होता है, आपको पर्क्स वगैरह सब कुछ इन फॉर्म ऑफ सैलरी ही मिल जाते हैं। तो वहां पे भी क्वार्टर्स मिलेंगे, गाड़ी शायद ना मिले, डिपेंड करता है आप किस जॉब प्रोफाइल में जा रहे हैं, बट पर्क्स आपको उस फॉर्म। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आप रिमोट एरिया में रहते हो तो आपके खर्चे भी नहीं होते, आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा हो जाती है, वो एक प्लस पॉइंट है वहां पे। हाँ ये सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। ये है सर, ये फैक्टर ना मैं देखता भी हूँ। क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली एनटीपीसी कोरबा का था। तो एनटीपीसी कोरबा में वहां अच्छा पर जब अच्छा ट्रेनी लोग आते थे ना, तो हम लोगों से सीनियर रहते थे, हम लोग छोटे रहते थे उस समय, तो वो आते थे। और फिर एनटीपीसी आने के बाद दे वेर लाइक कि नहीं, यहाँ छोड़ना है करके, एकदम रिमोट लोकेशन हो गया है और प्लस हम लोग और कुछ दिला सकते थे। नहीं, ये हमेशा एक रहता ही है, ये जो PSU क्रैक किए रहते हैं ना उनके साथ एक रहता है कि इतने सारे पैसे तो आ रहे हैं थोड़ा पर सा बिल्कुल एक्सपेंड करने के लिए जगह भी तो चाहिए एक्शन, करके। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बट जैसे आपने उस चीज को हाँ स्टिल रेलवेज में भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह पे हो जाएगी। मेरी फॉर्चुनेटली अच्छी जगह पे हो गई है, बट रेलवे में भी आपकी रिमोट पोस्टिंग्स होती हैं। बट स्टिल यहाँ पे भी फिर फायदा वही हो जाता है कि आप जब रिमोट एरिया में हैं तो आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होती हैं। अब बड़े शहर में रह रहे तो आपका खर्चा भी फिर उतना ही होगा। ये हर जगह का कंसिडर करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा है सर। सर तो अब हम लोग थोड़ा सा ना प्रिपरेशन के उस पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बिल्कुल एस्पिरेंट है बिल्कुल जो लोग एकदम इंस्पायर हो चुके हैं आपकी बातों से कि नहीं भैया, अच्छा काम करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो आप ये बता सकते हैं क्या कि अगर मैं सिविल का हूँ और मुझे अब तैयारी करना चालू करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, कब टेस्ट दिलाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा 1 साल का वक्त लगता है करके, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग मान लेते हाँ हैं कि अभी अभी हुआ है, अभी रिजल्ट आया थोड़े दिन पहले, है ना, ये सी का। तो फिर आप जी बताइए कि बिल्कुल अब अगर मैं यहाँ से 1 साल पकड़ता हूँ, है ना, तो मुझे हाँ कैसे प्रोसीड करना चाहिए? अगर मैं सिविल का हूँ तो मुझे कौन से सब्जेक्ट पहले पकड़ा जाए, कब कब मैं टेस्ट दिलाऊं, कैसे मैं रिविजन करूँ, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस होता है ना, बिल्कुल वही इसमें भी होता है। जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो तो सबसे पहले आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ो, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ते हो थर्ड सेमेस्टर में, वो पढ़ो, बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ते हो वो पढ़ो, उसी ऑर्डर वही रहता है।
बस आपको एक इशू जो बहुत स्पाइंस फेस करते हैं, जो शुरुआत में मैंने भी फेस किया था, वो ये था कि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीजों को तो आप भूल जाते हैं। मतलब आप आज के डेट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, और आज से 6 महीने बाद मान लीजिए स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा भूल चुके होंगे। ये इशू थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट में कम आता है क्योंकि चीजें लिंक्ड होती हैं, बट अगर आप सिविल्स वगैरह की तैयारी करेंगे तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। बट टेक्निकल में भी ये एक इशू रहता है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो वीकेंड्स पे एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लें। अगर आप 5 डेज 6 डेज पढ़ रहे हैं तो, या तो संडे को एक, क्योंकि रिविजन करने में आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा, फर्स्ट टाइम पढ़ने में समय ज्यादा लगता है, 1 6 1 7 टाइम यू कैन रिवाइज द थिंग्स यू हैव स्टडी इन द होल वीक। तो एक ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी थी, और ये मेरे को बहुत हेल्प की, चीजें बिल्कुल फ्रेश रहती थी इस वजह से मेरे लिए। और दूसरी चीज ये है कि रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ के खत्म कर दिया आपने, तो जैसे ही आपका अगला सब्जेक्ट खत्म हुआ तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी एक बार रिवाइज हो जाए। और फिर जैसा मैंने आपको बोला कि आपको पूरा पूरा टाइम नहीं देना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, या कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपने एक मतलब ऑल्टरनेट पढ़ के रखा है, तो मतलब वो आपको 1/7 1/10 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका फर्स्ट रिवीजन है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, पर सेकंड रिवीजन में और कम टाइम लगेगा, थर्ड रिवीजन में और कम टाइम लगेगा। फिर इसके बाद जब आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने सारे अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो ट्राई करना चाहिए। और फिर उसके बाद जब आपका एग्जाम क्लोज आ रहा है तो केवल टेस्ट सीरीज ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल स्टिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में। अगर 3 आवर्स का टेस्ट है तो केवल 3 आवर्स में ही आपको लिखना है। कोशिश कीजिए कि सेंटर्स में जाकर लिखिए, या अगर अपने घर पे बैठ के लिख रहे हैं बिल्कुल एग्जाम सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में लिखिए। तो ये अगर प्रोसेस अगर कोई एस्पायरेंट फॉलो करता है तो आई थिंक ही कैन सक्सीड। और सर आप जैसे क्या कहेंगे कि नोट से पढ़ना चाहिए कि बुक से पढ़ना चाहिए, कैसा फॉलो करना चाहिए, कब बुक प्रेफर किया जाए, अगर 1 साल का पीरियड है तो क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं आई एम नॉट ए नोट्स मेकिंग पर्सन, मुझे नोट्स बनाना कभी पसंद नहीं है। मैं अपनी बुक को ही नोट्स बना देता हूँ, मैंने उसमें इतनी गोदाई की है अपनी बुक्स में, उसी में अपने से कुछ लिख दिया, कुछ कर दिया। सो दैट सॉर्ट ऑफ मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रही है। अगर कोई काम की चीज नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको काट दिया। पेजेस अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं कि ये पढ़ने की चीज नहीं है, एग्जाम रिलेटेड नहीं, उसको फाड़ के फेंक दिया। इस तरीके का पर्सन हूँ नहीं, मैं आपको सच ये बता तो रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल अपने ही बुक्स दिखा अलग सकता हूँ, मैं आपको अपने बुक्स दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दैट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन रही है मेरी, और उसी में अंडरलाइन करना, उसी में हाईलाइट करना थोड़ा सा मेरा, बट स्टिल मैंने देखा है कि लोग नोट्स बना बना के भी पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा वो टाइम वेस्ट लगता था, वो कुछ वजह से इसलिए भी है क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग ये वो बहुत अच्छी नहीं है। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लिखने की स्पीड अच्छी होती है, तो वो पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बना लेते हैं, तो वो उनके लिए ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। बट मेरी आप पर्सनल स्ट्रेटेजी पूछेंगे तो मुझे इस चीज में कंफर्टेबल लगता था, बुक्स पे ही नोट्स बनाना, बुक्स पे ही अंडरलाइन करना, हाईलाइट करके पढ़ना, इस तरीके की चीज। सो आई यूज टू डू इट इन दैट वे। अदरवाइज आपके नोट्स इस तरीके से होने चाहिए कि रिविजन में आपको कम से कम समझिए। तो नोट्स बनाने का पर्पस वही है कि ऑल थिंग्स मस्ट बी इन कंसोलिडेटेड मैनर इन ए सिंगल प्लेस। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में फायदा ये है कि जो भी आप मटेरियल्स बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें सब कुछ एक ही प्लेस में होती है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की लोगों को जरूरत पड़नी होगी। जब आप सिविल्स की तैयारी करते हैं तो इन सम सब्जेक्ट्स आपको अलग अलग सोर्सेस रेफर करके पढ़ना होता है, तो उसमें थोड़ा नोट्स उस टाइम पे मैंने बनाए थे, बट अदरवाइज आई एम नॉट ए नोट्स मेकिंग पर्सन। सही। तो सर आपको ऐसा वो फील आया था कि आपका इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, 10th रैंक आ जाएगा ईएससी में? फील और तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, मैं बताइए। आपको बता रहा हूँ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब कोचिंग्स में एग्जाम दिया करता था तो सब यही बोलते थे कि यार जो तुम्हारी रैंक वहां आएगी वही रैंक तुम्हारी फाइनल लिस्ट पे भी आएगी, बिकॉज वहां पे वही स्टूडेंट्स की रैंक आती है जनरली जो फाइनल क्रैक करते हैं। एंड वहां पे मेरी 90 रैंक, 100 रैंक, कभी 105 रैंक, तो श्योर था कि हाँ सिलेक्शन तो इस साल हो जाएगा।
बट इस रैंक की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं जिस दिन रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ था, तो मेरा जो लास्ट ईयर का रिजर्व लिस्ट वाला जो वो था कॉल आया था, उसका मैं मेडिकल दिलाने के लिए जबलपुर गया हुआ था। और शाम को मेडिकल दिलाने के टाइम पे फोन वोन सब घर पे छूटा हुआ था, चाचा के घर पे मैं था, और उस टाइम पे कम से कम मेरे फोन पे 25-30 कॉल आया। और मुझे समझ में आ गया कि बहुत बड़ा धमाका कुछ हुआ है। तो फिर जब मैंने खोल के देखा, पीडीएफ खुल नहीं रहा था, फिर मेरे फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे सेंड किया, फिर मैंने जब खोल के देखा तो आई कुडंट बिलीव इट। लिटरली मैंने रोल नंबर चेक किया कि कोई दूसरा आयुष दोगे तो नहीं है, बट अनबिलीवेबल मोमेंट था वो। सही सर, मतलब एकदम आज रिफ्रेश हो गया होगा कि क्या दिन बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, वो मतलब वो मेहनत। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं बीच में मैं भूल जाऊंगा नहीं, तो बात ये है कि जैसे आपने कहा कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, तो आपका मेंस आपने कैसे दिलाया, उस चीज को कैसे उसमें मार्क्स बढ़ाया आपने, इसको बताइए, और कितना मैटर करता है आपकी देखे, हैंडराइटिंग। हाँ हैंडराइटिंग इज कोई इतनी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर ओके आप देखोगे तो यूपीएससी का जो एक एग्जामिनर है, वो हार्डली 5, 6, 7, 10 कॉपी एक दिन में चेक करता है। तो वो हैंडराइटिंग, उसमें यूपीएससी में जरूर ये चीज लिखी होती है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी ठीक नहीं है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। बट मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है कि एलिजिबिलिटी के कारण मार्क्स डिडक्ट हुए हैं या उनको उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है। तो हैंडराइटिंग अगर आपकी एवरेज भी है, एवरेज भी है एकदम, वो डॉक्टर्स वाली तो कोई भी नहीं लिखेगा एग्जाम में। कोई भी इंसान हो, प्रैक्टिस अगर कर रहा है तो उसकी एक एवरेज हैंडराइटिंग तो बनेगी। तो हैंडराइटिंग का कोई ऐसा इश्यू नहीं आता। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो ऐसा जिसमें कोई हैंडराइटिंग का इश्यू है नहीं। इवन इन सिविल सर्विसेज मैंने देखा है, हैंडराइटिंग का कोई इश्यू नहीं आता। आपका केवल कंटेंट मायने रखता है। मैंने एग्जाम सारे टाइप के एग्जाम दिए हुए, इसलिए मैं बोल सकता हूँ विद 100% कन्विक्शन की हैंडराइटिंग इज नॉट एन इशू। आपकी लैंग्वेज एक इशू नहीं है, इंग्लिश नहीं आती वो एक इशू नहीं है, ये सब कोई इशू नहीं है। आपका टेक्निकल कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल कंटेंट बहुत रहता है ये, क्योंकि हाँ बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है सर। एक तो ये पूछते हैं हैंडराइटिंग वाला इशू, दूसरा गैप वाला इशू, और कई बार उन लोग इस पर रहते हो, चश्मे का पावर में कोई दिक्कत आती है क्या, ये सारी चीजें। सर इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, मेडिकल क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, भी आपने दिलाया देखिए, होगा, मेडिकल मेडिकल जो होता है वो अभी वहां तो पर क्या काफी क्या ज्यादा देखा जाता है। रिलैक्स हो हाँ गया है। हाँ हाँ हाँ, मेडिकल तो अभी काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया। आपका चेस्ट एक्सरे लिया जाता है, एक ब्लड टेस्ट होता है, और कुछ ऑडिटरी टेस्ट होते हैं, ऑडिटरी ब्रीदिंग टेस्ट होते हैं। इन सब में कोई फेल नहीं होता जनरली। जिसमें लोगों का थोड़ा फेल होने का चांसेस होता है वो विजन का ही है। एक तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट तो आप घर पे भी कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो एक बार वो चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात विजन का, तो विजन का कुछ रेंज है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बट स्टिल अगर आप उस रेंज में फॉल नहीं कर रहे हैं तो आप नॉन टेक्निकल सर्विसेज के लिए स्टिल एलिजिबल रहते हैं। जैसे इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस नॉन टेक्निकल सर्विस है, उसमें विजन का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। तो जिनका, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका विजन का डिफिकल्टी आया था, तो उनको स्टोर सर्विसेज मिल गई थी बाद में। अच्छा मिल गई थी ना। बहुत कुछ हम लोगों को इसमें आइडिया मिल गया सर, थैंक यू सो मच। हम लोग ऐसा डिस्कशन कर पाए और आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला। पर सर इसमें एक हैप्पी नोट, एक बहुत अच्छे नोट के साथ एंड करेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपका क्या सक्सेस मंत्र है जो आप ना स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि यार मेरे को लगता है मैं इसको पकड़ के आज तक आगे चल पाया हूँ, आ पाया हूँ, और वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये एक चीज ये लगती है कि आपका पास्ट मायने नहीं रखता। अगर आप सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत एवरेज कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ, आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप अपने आप को इनकेपेबल मत समझिए। बस इतनी सी चीज, अगर आपको लगता है, आप फील करते हैं कि हाँ यार मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, इनफैक्ट कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, इतनी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं दुनिया में, बिना पैर के लोग एवरेस्ट पे चढ़ गए, इस तरह की स्टोरीज हैं। तो आई डोंट थिंक कि अपने आप को छोटा मत समझिए, और जो भी आप गोल पकड़ रहे हैं डेली उसके लिए उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड रहिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आपके पीछे छोड़ गई रहेगी। बिल्कुल बहुत सही, थैंक यू सो मच सर। आई होप आज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मोटिवेशन मिल पाया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि
शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई होप सर आपको भी ये सेशन अच्छा लगा होगा और हम लोग एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी इतनी सारी बात शेयर करने के लिए। मैं अभी काफी दिन हो गए थे इस तरह का कोई लाइव डिस्कशन नहीं हुआ था। ऑब्वियसली उस टाइम पे 2017-18 में मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, बट अभी ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years आई एम शेयरिंग समथिंग लाइक दिस। Once a champion is always a champion, sir. मतलब वही है, वो repeat होता रहता है, वो आपका ज्ञान वो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकेगा। और आप कितने लोगों की inspiration है ये आपको पता नहीं है। आज हम लोग ये एक session कर रहे हैं, क्या पता आज से कई सालों बाद इसको कोई देखेगा और सोचेगा कि यार यार इन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन से निकाल लिया था और वो मोटिवेशन लेके शायद आगे बढ़ सके। बस एक वीडियो हमारे लिए ये काम कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। तो तब तक के लिए बाकी सब स्टूडेंट्स को बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।